जय हिंद सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार की चर्चा करेंगे जो कि भाग 3 में हमको ये पढ़ने को मिलता है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि मैंने आज तक 3, 4, 8 से 9 क्लासेस ले चुकी है, इसी बेस पर, मतलब इस बेस पर कार्य कर रहे हैं हम कि हमको संविधान को समझना है और अच्छे से समझना है। इसलिए ये क्लास आपके UPSI, यूपी पुलिस, UPSI, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, जो यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, SSC GD, SSC GD, SSC CGL, SSC के सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हम सभी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम सभी संविधानों को, आर्टिकलों को हम समझेंगे। एक एक करके हम आर्टिकल को समझते चल रहे हैं। इसके पिछले वाली क्लास में मैंने सभी आर्टिकलों को, जो मौलिक अधिकार के मूल अधिकार में हम 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमको मूल अधिकार की परिभाषाएं एवं मूल अधिकार की सभी बातों को आर्टिकलों के ज़रिए बताया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम आर्टिकल, मूल अधिकार के आर्टिकल 29, 30 और 31 की चर्चा करेंगे। बने रहना है आप सबको, जो भी बच्चे यूपी पुलिस की वगैरह, कांस्टेबल की, जो कि इस बार कांस्टेबल की जो 26,000 के पद पे आने वाली थी भर्ती, वो इस बार 34,000 के पद पर आएगी। सरकार का ये नोटिफिकेशन अभी तो फिलहाल नहीं आया साथियों, लेकिन ये जल्द ही आएगा कि 34,000 के पद पर जो भर्तियां निकलेंगी यूपी कांस्टेबल की, वो निकलेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आर्टिकलों को। इसके पहले वाली क्लास यदि आप अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को हमको आर्टिकल मूल अधिकार में हमको ये बातें बताई गई है कि शिक्षा, संस्कृति का यहाँ अर्थ है भैया कल्चर से, किससे है? कल्चर से। और शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन से, संबंधी मतलब शिक्षा मतलब कल्चर और एजुकेशन का अधिकार हमको जो प्राप्त है वो हमको किसके बारे में पढ़ना है? अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ना है, माइनॉरिटी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं माइनॉरिटी के बारे में इसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि अल्पसंख्यकों को जो शिक्षा और संस्कृति का, कल्चर और एजुकेशन का अधिकार है वो हमको 29 और 30 आर्टिकल बताता है। बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, ध्यान से पढ़िए, जो कि इससे आपको अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली क्लास पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपको अधिक क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी अधिक क्वेश्चन मिलते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। कांस्टेबल वगैरह में बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब एक जड़ ही है ये। ठीक है, ध्यान रखना, एक जड़ है, SSC GD का भी एक जड़ है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जामों में पूछे जाएंगे। इसलिए इसको मैं एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, छोटे छोटे आर्टिकलों को छोटे बड़े एकदम बेहतर तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप बने रहिएगा पूरी क्लास में और समझिए। देखिए, तो पहला आर्टिकल क्या कहता है भैया? आर्टिकल 29 बताता है आपको अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों, जो भी माइनॉरिटी है, जो माइनॉरिटी होंगे, माइनॉर पीपल होंगे, उनके हितों के लिए संरक्षण है। क्या है? उनके हितों के लिए संरक्षण बताता है आर्टिकल 29। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। क्या है भैया? अल्पसंख्यकों की रक्षा, जो माइनॉर पीपल होंगे, जो माइनॉरिटी वाले पीपल होंगे, उनको क्या है? उनकी रक्षा है। इसमें बताया गया है कि उनकी रक्षा है, जो माइनॉर पीपल होंगे उनकी रक्षा के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। संस्था, आप इंस्टीट्यूट होगा या आपका संस्था, इंस्टीट्यूट, जो बच्चे नहीं समझते हैं, संस्था का मतलब इंस्टीट्यूट समझ लें कोई भी, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है आर्टिकल 29 क्या कहता है, अब इसके बारे में समझिए एकदम, मतलब बेहतर तरीके से समझिए, अपनी भाषा में समझिए। मैं कहता हूँ संविधान पढ़ने से पहले आप अपने आप को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करिए कि भैया संविधान हम पढ़ेंगे तो हम अपनी भाषा में कोई चीज़ को अपने से समझ सकें, तब अच्छी बात है। नहीं तो आप बुकलेट होंगे, अगर बुक से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, केवल आपको वो बातें बताएगा, ठीक है, ग्रहण करने का आपका काम है, तो ये बातें आपको संविधान बताता है। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, 29 में ये कहा गया है कि जो भी, मान लीजिए जो माइनॉर पीपल होंगे, जो अल्पसंख्यक लोग होंगे,
उनको किसी भी मतलब कह सकते हैं कि उनको किसी भी संस्था में, क्या है कि संस्था में उनके भाषा, मतलब उनके भाषा के आधार पर या कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर उनको क्या किया जा क्या किया नहीं जाएगा, उनको पीड़ित नहीं किया जाएगा, उनको प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है, चाहे वो संस्था जो भी हो। अब एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए आप कोई पंडित हैं या कुछ भी हैं, आप मान लीजिए कि मुस्लिम हैं, और आप अगर किसी संस्था में गए प्रवेश लेने, तो आपकी जो कल्चर है भैया, आपको टोपी लगाना है, टोपी लगाते हैं जो भी मुस्लिम होंगे, वो बेचारे अपना टोपी लगाते हैं, तो वो जो टोपी लगाए रहेंगे उनको उस संस्था में ये नहीं कहा जाएगा कि भैया आप टोपी ना लगा के आइए, ठीक है? तो उनको उनके कल्चर या उनके भाषा के आधार पर उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस संस्था में, आप इस भाषा में, आप इस भाषा से बोलते हैं, या आप टोपी लगा के आते हैं, या मतलब जो मुस्लिमों वाली टोपी होती है वाइट कलर की, उसको लगा के आते हैं, या कुछ भी, मतलब उनके कल्चर और उनके भाषा के आधार पर यह नहीं कहा जाएगा कि आप इस संस्था में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को अगर ये डाउट है कि भैया हमको तो रोका गया था, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट हायर कर सकते हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कार्य कर रहा है, डायरेक्ट धावा बोल देगी। कौन बोलेगी? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कह देगी कि भैया इस आर्टिकल के तहत पूरा अधिकार है आपको कि आप पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कुछ बच्चों का ये होता है कि मान लीजिए कोई पंडित है, एग्जाम्पल में समझिए बेटा, देखिए एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, मैं कहता हूँ एग्जाम्पल अपने ऊपर अनुभव करिए, ठीक है? अगर मान लीजिए आप पंडित हैं, या हम पंडित हैं, कुछ भी है, कोई भी हो, बच्चे में उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए क्या है कि भैया मान लीजिए आप पंडित हैं, आप क्या लिखे हैं, टिकी, चुनई जो होती है यहाँ पर पंडितों में, जो चुनई होती है हिंदू धर्म में, क्या होती है, चुनई जो होती है यहाँ पर, उसको हिंदू देहातों में बोला जाता है टिकी रखना, क्या कहते हैं उसको, टिकी। तो आप अगर कोई अगर संस्था में गए और आपको कह दिया गया कि भैया कि आप टिकी नहीं रख के आ सकते, क्या है कि टिकी आप नहीं रख के आ सकते, भैया हमारा वो कल्चर है, हमारा वो कहता है, हमारी जो ये टिकी है, हमारी ये संस्कृति है, क्या है, हमारा ये कल्चर है कि हम संस्कृति पर हैं, हम कोई भी मतलब मान लीजिए आप बौद्ध धर्म के हैं, तो आप जैसे कपड़े पहन के जाते हैं, आप कपड़े पहन के जाते हैं, कपड़े उनका क्या होता है कि इस प्रकार से, मतलब इधर से कपड़े इस साइड से होता है, और वो लुंगी टाइप में होता है, क्या कहते हैं, लुंगी टाइप में होता है, यहाँ रख लेते हैं और उसके बाद वो हो जाता है। तो उस प्रकार से मतलब आप उनकी जो कल्चर होगी, आप उनके कल्चर पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं कर सकते कि आप इस तरह मत आइए, ठीक है? तो ये आपको आर्टिकल 29 बताता है कि किसी भी भाषा वो बोलता हो, भाषा कैसे भी बोलता हो, उस पर वो चीज़, मतलब वो जो संस्था वाला होगा, जो संस्था होगी, वो उसके भाषा और कल्चर पर उसके रोक नहीं लगा सकती है, ध्यान रखना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 बताता है, अनुच्छेद 30 बताता है, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण, जो शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन, उसके बारे में आर्टिकल 30 बताता है। अब देखिए ध्यान से समझिए, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों को बीच में, बहुसंख्यकों के बीच में, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। क्या देगी भैया? सरकार उसे भी धन देगी, ध्यान रखना। इसका मतलब समझिए, बहुसंख्यक का मतलब हो गया आपका मेजोरिटी, इंग्लिश में कहें कि बहुसंख्यक का क्या मतलब हो गया, मेजोरिटी, और अल्पसंख्यक का मतलब हो गया माइनॉरिटी, ठीक है? तो अब देखिए, अल्पसंख्यक मान लीजिए हम हैं, या मान लीजिए आप हैं, कोई कॉलेज है, किसी कोई क्लास है, तो वहाँ पर मान लीजिए कोई एक आ गया किसी दूसरे उसमें से, क्या आ गया कि कोई मान लीजिए सिख आ गया, कोई ईसाई आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको मतलब ये नहीं कहा जाएगा बहुसंख्यकों के बीच में। अब मान लीजिए कोई भाषा दूसरी हम बोल रहे हैं, हम कोई भाषा दूसरी बोल रहे हैं, हम अल्पसंख्यक में से हैं, समझिए ध्यान से, हम अल्पसंख्यक में से हैं और हम कोई भाषा बोल रहे हैं, या
तमाम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हम फारसी बोल रहे हैं, हम या अंग्रेजी बोल रहे हैं, समझिए कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम फारसी बोल रहे हैं, हम उर्दू बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अब वो अगर बच्चा होगा, जो बच्चा जाएगा क्लास में, वो अगर बच्चा चाहता है कि हम इन बच्चों के साथ, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, उनके साथ हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसी बातों पर वो अपना एक अलग से संस्था खोल सकते हैं। संस्था ये भी होनी चाहिए कि भैया संस्था संस्था होती है, संस्था संस्था होती है, उसमें कोई संकोच नहीं है कि आपके लिए आपको वो जो सरकार होगी आपको भी धन देगी, आपको भी सरकार धन देगी। अब देखिए इसका मतलब समझिए, धन कैसे देगी भैया, जब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी संस्था खुलेगी तो उसमें 25 से 30 कमरे होंगे, बढ़िया व्यवस्थित रूप से लाइट होगी, सरकार के कुछ नियम कानून होंगे जिसको आप फॉलो करेंगे, तब आपके लिए ये संस्था खुलेगी। या नहीं कि एक क्लास में एक बच्चा है, वो चाहे कि हम चलें भैया हम दूसरे स्कूल में, मतलब दूसरी संस्था हम खुद ही खोल लें, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि भैया नहीं, ऐसा मान लीजिए कि कोई है, अब अगर एक रूम में है, अगर हम नहीं चाह जाना चाह रहे हैं पढ़ने बाहर के, उसमें हम नहीं जाना चाह रहे हैं, तो अब ये तुम सोचो कि हम अपने घर में ही एक संस्था खोल लें, एक अपने घर में ही कॉलेज बना लें, अपने घर में ही स्कूल खोल लें, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। उसमें वो सरकार के नियम कानून होंगे कि भैया 25 कमरे होने चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, तब सरकार आपको क्या करेगी, धन देगी। क्या देगी भैया, तब आपको ये धन देगी। जो भी अल्पसंख्यक, यदि अल्पसंख्यक जो है, जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यकों के बीच में, ध्यान से समझिए, जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, शिक्षा लेने से। अल्पसंख्यक एक है, बहुसंख्यक तमान है, सब हिंदी बोल रहे हैं, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तो क्या होगा कि आप अपनी संस्था बिल्कुल खोल सकते हैं, आपको संपूर्ण अधिकार है, लेकिन वो सरकार के नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा कि भैया संस्था खोलने से पहले उसमें 25-30 जितने कमरे होते हैं संस्था में, वो आपको संस्था ऐसी बनवानी पड़ेगी, तब आप अल्पसंख्यक एक निसंकोच आप अल्पसंख्यक का कोई संस्था खोल सकते हैं। तो ये आपको आर्टिकल 30 बताता है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यकों का क्या है, शिक्षा का संरक्षण का संविधान यही बताता है। अब देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है, और 31, इसमें यही चीज़ दोनों बातें बताई गई हैं। आर्टिकल 29 और 30 आपको संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधित अधिकार बताया गया है, लेकिन आर्टिकल 31 क्या कहता है, दूसरा है ये, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, अलग है ये बच्चा, ध्यान रखना, ये भी इसी में मत जोड़ लेना, ये अलग है। क्या है कि इसमें पैतृक संपत्ति की बात करें, जो हमारे पिताजी की संपत्ति होगी उसको हम कहते हैं पैतृक संपत्ति, ध्यान रखना, इसमें जो पिताजी की हमारी संपत्ति होगी, जो हमारे पिताजी के पिताजी की होगी संपत्ति, हमारे पिताजी कहेंगे ये हमारे पिताजी की संपत्ति है, तो वो हो जाएगी आपकी पैतृक संपत्ति। तो इस प्रकार से समझिए, मतलब हमारे पिताजी की संपत्ति पैतृक संपत्ति हम कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 31 कहता है कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, पैतृक संपत्ति के बारे में बताई गई है, जो मूल अधिकार या किंतु 44वां संविधान संशोधन, 44वां जो संविधान संशोधन में ये पैतृक संपत्ति को क्या कर दिया गया है, कानूनी संपत्ति घोषित कर दिया गया है, ध्यान रखना। ये आपको आर्टिकल 19 ए भी आपको यही चीज़ बता रहा था, 19 ए भी बता रहा था, 19 का चौथा देखेंगे आप, आर्टिकल 19 का चौथा देखेंगे अनुच्छेद, तो वो भी आपको यही बात बता रहा था, यही बात आपको आर्टिकल 19 भी बता रहा था, लेकिन उसमें अर्जित संपत्ति की बात की गई थी। क्या कर की देखी गई थी साथियों, उसमें अर्जित संपत्ति की बात की गई थी आर्टिकल 19 का चौथा में, लेकिन इसमें आर्टिकल 31 में इसमें आपकी पैतृक संपत्ति की बात की गई है, मतलब कि जो पिताजी की संपत्ति थी पहले वो मूल अधिकार में थी, पहले मूल अधिकार में थी, मैंने इसको बहुत डीपली समझाया था। अब देखिए अब वो 44वां संशोधन, 44वां का संशोधन, 44वां संविधान संशोधन में उसको 1978 द्वारा अगर पूछा जा रहा है कि जो पैतृक संपत्ति है उसको किस संविधान में कब कब उसको कानूनी संपत्ति घोषित कर दी गई थी, तो 44वां संशोधन में 1978 द्वारा इसको कानूनी संपत्ति घोषित कर दी गई थी, और इसको
300 ए में, 300 का का में इसको जोड़ दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इसको 300 के का में जोड़ दिया गया था कि भैया अब आपकी ये पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि ये आपकी कानूनी संपत्ति हो चुकी है। पैतृक संपत्ति मतलब बता ही दिया हूँ आपको मैं, लेकिन अगर बच्चा लोगों यहाँ पर डाउट होगी भैया पैतृक संपत्ति में क्या क्या आता है सर जी, तो देखिए आपका मान लीजिए कि जमीन जमीन वगैरह हैं, तो ये सब आपके ज़मीनें हैं, खेत वगैरह हैं आप देखेंगे, तो ये सब आपकी, आप तो अभी पैदा होते ही तो बनाने नहीं लगे हैं, ठीक है, तो आप 18 साल के हो गए, फिर उसके बाद आपके नाम आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो डिस्कस करता है कि आप किस प्रकार से क्या कर रहे हैं। अब देखिए पैतृक संपत्ति वही होगी जो पिताजी की संपत्ति होगी, पिताजी ने खेत बाड़ी बनाया है, खेत वेत बनाया है, तो वो अब इस प्रकार से जब सरकार चाहेगी तो उसको कानूनी वो संपत्ति घोषित कर दी गई है। किस संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन से 1978 में इसको क्या कर दिया गया है, 300 के का में जोड़ दिया गया है। ये हो गया आपका 31 आपका यही बात बताता है। अब देखिए अब हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, भैया क्वेश्चन की भी एक बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को भी हम समझते चलें, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन तमाम हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको केवल समझने की ज़रूरत है, लिखना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं आप। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल बताता है, क्या है अल्पसंख्यकों का हित का, हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में बताया गया है, बताया गया है तो आपको आर्टिकल क्या लगाना है, आर्टिकल 29 ये बात बताना है। अगर ये भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 29 है क्या, आर्टिकल 29 है क्या, तो वहाँ पर लिखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि भाषा या संस्कृति के आधार पर, भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता, ये कौन सा आर्टिकल बताता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ध्यान रखना कि भाषा और संस्कृति के आधार पर आपको किसी संस्था में नहीं रोका जा सकता, संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता, ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल क्या बताएगा, आर्टिकल 29 यही बात बताता है। ध्यान रखना ये आपको मतलब कह सकते हैं कि जब आप यूपी कांस्टेबल की पेपर देने जाएंगे तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बढ़िया से सजा सजा करके पूछता है एकदम बेटा, ध्यान रखना। अब देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण कौन सा आर्टिकल बताता है, यहाँ पर हितों का संरक्षण है। ध्यान रखना कन्फ्यूजन इज द मोस्ट इन द माइंड, देखिए कन्फ्यूजन इतना क्रिएट होता है बेटा दिमाग में कि यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, आर्टिकल 29 बताता है, लेकिन अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण ये आपको आर्टिकल 30 बताता है। ध्यान रखना ये दोनों बातें ध्यान रखना, हित और शिक्षा को ध्यान में रखने योग्य है आपके, ये आपको समझना है, किस प्रकार से समझना है अब मैंने समझा भी दिया है, लेकिन अब आप कैसे समझ रहे हैं ये आपका जो होगा वो आप देखिए, ठीक है। अब देखिए अल्पसंख्यक, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर अल्पसंख्यक की, अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में नहीं रहना चाहता और उसको अलग से क्या करने के अधिकार हो, अलग से वो संस्था खोलना चाहता है या अलग से वो संस्था खोल सकता है, वो कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल आपका 30 ही बताएगा, आर्टिकल आपको कौन सा बताएगा, 30 ही बताएगा। पैतृक संपत्ति की किस में बात की गई है, अर्जित संपत्ति की किस में बात की गई है, अर्जित संपत्ति आपकी 19 का 4th में आपको अर्जित संपत्ति की बात की गई है, और आर्टिकल 31 में आपको पैतृक संपत्ति की बात की गई है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों बातें याद रखना। तो यहीं पर आपका ये भाग जो है ख़त्म हो, भाग अभी नहीं ख़त्म हुआ, अभी आपको 32 से लेकर के 35 तक अभी आपको एक क्लास और होगी, एक या दो क्लास हो जाएंगी आपकी, जो कि आपका मूल अधिकार एकदम बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना साथियों, रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ,
रास्ता भी जानता हूँ और चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो, मुझे मोम ना समझो जो झट पिघल जाऊंगा। मुझे मोम ना समझो जो झट पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ डूब कर निकलना भी जानता हूँ। जोश और जुनून के साथ बने रहना है, एकदम पीछे नहीं हटना है। इस बार SSC GD को एकदम तड़ोर मड़ोर के एकदम अच्छे से पकड़ना है, ठीक है? इसलिए आपको एक एक आर्टिकलों को पकड़वा के मैं चलवा रहा हूँ। ध्यान रखना, जिस प्रकार से मम्मी पापा आपके अंगुली को छोड़ते नहीं है ना, मेले में आप जाएंगे तो भले आप पिताजी का हाथ पकड़ लें वो छूट जाएगा, लेकिन जब वो आपका हाथ पकड़ेंगे तो ससुरा कभी छूट ही नहीं सकता। ध्यान रखना, मेले उले में कभी अगर तुम पिताजी की उंगली पकड़ोगे भले आप छोड़ दो, लेकिन जब पिताजी हाथ पकड़ें तो बेटा कभी नहीं छूट सकता। तो उस प्रकार से हम चल रहे हैं कि एकदम पकड़ के, मैं आपका हाथ पकड़ा हुआ हूँ, ध्यान रखना, हाथ पकड़ के मैं घसीट रहा हूँ। चलो भैया चलो, एकदम चलो, पीछे नहीं हटने की ज़रूरत, बने रहना है नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे भी, नेक्स्ट बात करेंगे जो भी हमारे आर्टिकल छूटे हुए हैं इसके आगे वाले, 31 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार बताया गया है नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं ख़त्म कर दूँ, जिससे कि हम आगे जल्द से जल्द, एक दिन आपकी होगी मैराथन, बेहतर क्लास होगी। हर तरह के क्वेश्चन लाऊंगा, सब संविधान से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन लाऊंगा, एकदम जबरदस्त तरोड़ मरोड़ के। रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो बेटा अभी रीजनिंग की जो आपकी यूपी कॉन्स्टेबल वाली रीजनिंग है, कॉन्स्टेबल की रीजनिंग की क्लास है, उसको मैं जल्दी लूँगा। ध्यान रखना, यूपी कॉन्स्टेबल की रीजनिंग की क्लास मैं ही लेकर के आऊँगा, मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, जल्द ही आपके इस प्लेटफॉर्म पर तीन क्लासेस आपको मिलेंगी, तीन क्लासेस आपको मिलेंगी। पहले आप इसको समझ लीजिए, जिससे कि मैं इसीलिए बेहतर तरीके से तैयार करवाता चल रहा हूँ कि मैं अकेला खड़ा हूँ लेकिन मेरे साथ तमाम लोग आप सब जुड़े हुए हैं। इस परिवार को और बड़ा बनाइए यूट्यूब परिवार में, और भी आप शेयर करिए चैनल को, बेहतर बनाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। और अच्छे से बच्चा, मैं एकदम नो, कोई फीस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, निःशुल्क क्लासेस, ठीक है? निःशुल्क क्लासेस में अच्छी व्यवस्था के साथ, भैया मेरे पास तो वाइट बोर्ड ही है, ठीक है? ध्यान रखना वाइट बोर्ड है, लेकिन जल्द ही स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था हो जाएगी अगर आपका प्यार बना रहा तो, ठीक है? तो जल्द ही आप इतना प्रयास करिए कि जल्द ही बेहतर तरीके से रीजनिंग तब बेटा समझ में आती है, रीजनिंग में तब पढ़ाऊंगा, उसमें क्वेश्चनों का बड़ा मगजमारी होती है बेटा। अगर मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन में कैसे लगाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन में कैसे लगाऊंगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस क्लास को शेयर करिए और जल्द से जल्द, मतलब मुझसे जुड़िए, बड़ा परिवार बनाइए, बेहतर परिवार बनाइए, जिससे कि मैं आगे आपके लिए एक बढ़िया सा बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड में आपको आऊं और बेहतर तरीके से समझाऊं, ठीक है? इतना प्यार दीजिए साथियों, आपका प्यार मिल रहा है, मुझे अत्यंत खुशी है इस बात की कि आप मेरे साथ बने हैं जबरदस्त तरीके से। और मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको एक अच्छी सी शिक्षा और अच्छा एक व्यवहार और अच्छे से आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है? मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तब तक के लिए मिलेंगे, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं मुझसे जबरदस्त तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद।